इसको कहते हैं चितरंजन जी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कहीं ये उस तरह की मनोदशा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब जीत साफ साफ दिखाई दे रही है एनडीए की। नहीं नहीं देखिए, जहां पर हम कर रहे हैं रिकाउंटिंग के लिए, वहां पर रिकाउंटिंग नहीं हो रहा है, वहां पर जो है सो सर्टिफिकेशन आया जा रहा है, और जहां पर हम लीड कर रहे हैं वहां पर कम मार्जिन वोट से वहां पर रिकाउंटिंग के लिए आदेश दे रहे हैं। तो यह जो है दबाव बनाकर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और हारी हुई बाजी को किसी तरह से जनमत के खिलाफ जाकर नीतीश कुमार दबाव बनाकर रिटर्निंग अफसर पर चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से दबाव बनाकर रिजल्ट को अपने पक्ष में करवाना चाहते। सर चुनाव आयोग तो इंडिपेंडेंट होता है, आरओ क्यों सुनेगा नीतीश कुमार की? नहीं नहीं दीपक जी, चुनाव आयोग के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन रिटर्निंग अफसर पर नीतीश कुमार का बैठाया हुआ आदमी है। रिटर्निंग अफसर जब सर्टिफिकेट दे देगा उसके बाद जो है सो आप जाइए कोर्ट के चक्कर काटिए। 138 पर लीड कर रहे थे, हारते हारते 117 पर आ गए, और फिर 117 पर जब आ गए उसके बाद में अब देखिए 125 और 26 पर। लेकिन सर हर टीवी चैनल लगातार दिखा रहा है, कभी लीड किया ही नहीं 138 पर आरजेडी ने। संबित पात्रा जी क्या कहेंगे चितरंजन गगन जी के आरोप पर? दीपक जी 138 पर लीड कर रहे थे सर। 138 का फिगर किसी भी टीवी चैनल पर, किसी भी टीवी चैनल पर 138 का फिगर आरजेडी गठबंधन यानी महागठबंधन के लिए कभी नहीं आया। आप कभी भी 116 118 से आगे नहीं बढ़े हैं। दीपक जी मैं बात दूसरा कह रहा हूँ, एनडीए को दिखाया गया 138 पर लीडिंग, कमते 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 वो आ गए 117 पर, और फिर 117 से बढ़ाते बढ़ाते 125 और 26 पहुंचाए रहे हैं। जो हार गए उसको पूरा रिकाउंट किसी बहाने थोड़ा मोड़ा मार्जिन करके उसको जो है सो विजय घोषित कर।